हेलो फ्रेंड्स, आपकी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं चिकन चिली का रेसिपी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में बहुत ईजी है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन। इसमें लेग पीस भी है। लेग पीस का हम KFC चिकन बनाएंगे और उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर उस आप KFC चिकन बनाना चाहते हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो KFC चिकन और चिली चिकन बनाने के लिए हम एक ही बार इसका बैटर बनाएंगे। तो चिकन में सबसे पहले हमने 5 से 6 हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक कूट लिया था, उससे डाल देंगे। धनिया पाउडर बड़े चम्मच से 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, चिकन मसाला 1.5 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 2 अंडे 1 चम्मच, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक छोटे चम्मच से 1 चम्मच। नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चाकू के सहारे से थोड़ा छेद लेंगे कि जो भी मसाले हो, नमक हो, वो चिकन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और टेस्टी बने। तो देखिए, अब इसको हम ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए और नमक और मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। एक बाउल में हमने 300 ग्राम चिकन के पीस निकाल लिए। अब इसमें हम उसमें हम 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर सिंघाड़े का आटा मिला लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे चिकन के पीसेस पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए, हमारा 4 मिनट हो गया। अब इसको चलते हैं डीप फ्राई करने के प्रोसेस पे। तेल गर्म हो गया, इसमें हम चिकन के पीस डाल देंगे। इसे मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे। अब देखिए, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। मेरा चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये चिकन से जो भी कोटिंग थी वह उसकी लेयर हटने लगी है। तो इस जिससे आपकी पहचान हो जाएगी कि हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। इसी प्रोसेस से सारे चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं इसका ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पर। ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया। तेल हमने 2 से 3 चम्मच लिया है। तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगी है। सूखा लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल दिए। इसका भी कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम 4 से 5 बड़े साइज का प्याज लिए हैं, जिसको इसको 4 भाग में करके और इसका बड़ा बड़ा पीस करके और एक एक अलग अलग करके निकाल लिए हैं। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक ओपन कुक ही करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए, इसीलिए इसको 2 से 3 मिनट बस फ्राई करेंगे। नमक 1/2 चम्मच, छोटे चम्मच में से 1/2 चम्मच, क्योंकि नमक पहले भी हमने यूज किया है चिकन में, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा कम ही नमक यूज करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिए। अब हमारा प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च हमने 2 बड़े साइज का शिमला मिर्च लिया है, जिसको बारीक चौकोर में बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने 2 बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसको हमने भी इसे भी चौकोर में बड़े साइज में कट कर लिया है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम ढक के फ्राई करेंगे, जिससे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए और पक भी जाए। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, चिकन मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 से थोड़ा कम, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, अब कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच। इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इन सबको थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। पानी डालने के बाद चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे।
देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब इसको हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। देखिए हमारा 2 से 3 मिनट हो गया है, अब इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको चलाते हुए अच्छे से इसको अब अच्छे से चला लेंगे। देखिए हमारा मसाला लगभग पक गया है। अब इसमें हम चिकन मिला लेंगे। चिकन और मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे जिससे चिकन में ग्रेवी का मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे। टोमेटो केचप 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे, बड़े साइज़ के चम्मच से 2 से 3 चम्मच, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे चलाते हुए अच्छे से हमने मिला लिया है। केचप ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और पानी को अच्छे से ग्रेवी में मिलाने के बाद इसे ढककर 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए और चिली चिकन बनकर तैयार हो गए। आप चाहे तो इसी स्टेप पर सोया सॉस डालने के बाद 1 मिनट पकाने के बाद आप इसे उतार सकते हैं, बट हमें थोड़ा और जूसी चाहिए तो इसलिए इसमें हमने आधा गिलास और पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से चला लिए हैं और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे ढक के पका लेंगे, जिससे इसका पानी अच्छे से पक जाए। देखिए हमारा 2 मिनट हो गया है, हमारा पानी भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच सोया सॉस ऐड डाल देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 30 सेकेंड के लिए इसको ढक के हम पका लेंगे। देखिए हमारे कुछ सेकेंड हो गए हैं और हमारा चिली चिकन बनकर तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना, दिखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है। तो हमारा चिली चिकन बनकर तैयार हो गया है। अब इसका हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। जब आप चाहें तो इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर ये ठंडा हो जाए तो आप इसको दोबारा से भी गर्म करके इसको सर्व कर सकते हैं, स्वाद में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसे चावल चपाती किसी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।